देख लिए तुमने? दो जल्दी। चार्ली बिनावर, बिनावर चार्ली बिनावर। हाँ गोदाम में विस्फोट हुआ है, क्या मामला है और कितनी कैजुअल्टी हुई है? ये थाना सिविलेंस में एक गांव है रसूलपुर, इसमें एक लाइसेंसी है जिसके पास आतिशबाजी का और पटाखे बनाने का लाइसेंस भी है। आज इसकी दुकान में यहाँ पे विस्फोट हुआ है, इसमें अब तक 7 लोग मर गए हैं इसमें और 3 लोग घायल हुए हैं। इसमें जो कारण है इसके, ये कैसे एक्सप्लोजन हुआ है इसका, इसकी छानबीन की जा रही है मौके पर और इस ऊपर सभी कार्रवाई कर रही है। कि ये जो गोदाम है ये वैध था या अवैध रूप से? अवैध है, ये लाइसेंस गोदाम है और इसका रिन्यूअल भी हुआ है, इसमें चेक कर लिया गया। इसमें रेस्क्यू किया जा रहा है, इसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी है अंदर, बाकी 6 जा चुके हैं, 7 लोग मरे हैं अब तक इसमें। रसूलपुर पे हादसा हुआ है सर, क्या घटना हुई है और रेस्क्यू के लिए क्या टीम दिया जा रहा है? 4 बजे की घटना है, ये पटाखे की दुकान का लाइसेंस इसके पास था, इसके पास आतिशबाजी बनाने का अभी लाइसेंस है, उसावा रोड को लगता है और ये ऐसी जगह पे था जहाँ पर कोई आबादी भी नहीं है, मेन रोड से बहुत दूर है, 5 दुकानें केवल बनी थी, उनकी दुकान इसमें थी और घटना बहुत ही दुखद हुई, जिसमें 7 लोग पुष्टि अब तक हो चुकी है और एक अभी दबे होने की सच्ची संभावना, उसको हम लोग ऑपरेशन चल रहा, सारा प्रशासन लगा जैसा होगा। सर, लाइसेंस की दुकान वैध थी या अवैध रूप से चल रही? लाइसेंस दुकान इसका 2016 में लाइसेंस हुआ। तो सर क्या कुछ इंतजाम सही नहीं थे, क्या कारण? ये अभी तो बता नहीं सकते, हम लोग तो अभी मौके पर केवल ये ऑपरेशन खत्म हो, उसके बाद और भी चीजें जो निकल पाएंगे। सर एक चीज़ आ रहा है कि सर जो भी इनके पास मानक था, जैसे कि कितनी क्षमता के विस्फोटक बना सकते थे, क्या इसकी जाँच जो स्थितियाँ हैं सर वो दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विस्फोटक थे? अब ये चीज़ें जो है ये जाँच का विषय है, इसमें जो चीज़ें और आएंगी। ठीक।